अभी जा रहे भाई पानी निकालने का, अगर थोड़ा बहुत मिलेगा तो वो भी बाल बच्चा लेके खाएगा, और नहीं निकलेगा तो बस करला जाएगा। माता है हाथ चाची देर खर्चा उठबे ना, जा ओषुधेर दाम चापानेर दाम, थाली लेकर कटरा का भीख मांगेगा इधर उधर जाकर। हम लोग खेती बाड़ी नहीं, हम लोग भाव सही से मिलेगा नहीं। आज है 25 अक्टूबर, अकाल हो रहा था बहुत बारिश, तो बारिश की वजह से भाई बहुत नुकसान हो गया, थोड़ा सा सैड है, हर किसान सैड होगा भाई इस चीज को देखने के बाद। बहुत ही खतरनाक सीन हो गया, हम लोग जाके आप लोग को दिखा तो पूरा खेत का धान पूरा भाई गिर गया है। अभी लगभग भाई 15 या 20 दिन के अंदर ये धान कटाई होता, मगर आप लोग देख सकते हो क्या हाल हो गया धान का, 5-6 एकड़ का पूरा धान भाई गिर गया है, पूरा गाइस नुकसान हो गया। अभी देख सकते हो आप लोग क्या ही हाल हुआ भाई, और जमीन में पूरा पानी है भाई, इतना बारिश की वजह से पूरा धान पूरा पानी में डूबा पड़ा है। तो हम लोग अभी पानी को काट दिए है, पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा से, उधर से निकल रहे है, इधर जाके उधर डायरेक्ट चला जाएगा। नर्जुल भाई क्या लग रहा है अभी? क्या लगेगा, बहुत बुरा लग रहा है, इतना खर्चा हो गया, धान काटने का टाइम हो गया, इस समय ऐसा हो गया, बहुत लॉस हो गया मेरा। तो ये जो हुआ ये अभी सही हो सकता है? नहीं, कैसे सही होगा ये? तो इसको सही करने में तो बहुत खर्च होगा, फिर से खर्चा होगा, सही नहीं होगा ये, कैसे सही होगा? तो ये और कितने दिन में कटाई पड़ता? और ये 15 दिन की 12 दिन के अंदर कटाई हो जाता है इसका। पीछे एक और एक चाची है, उससे भी थोड़ा सा बात करते है। तो इतना बहुत ज्यादा तो नुकसान हो गया अभी। जितना खर्च हुआ वो भी नहीं उठेगा, जा नुकसान हो गया अभी। माता है हाथ चाची देर खर्चा उठबे ना, जा ओषुधेर दाम चापानेर दाम ডিভারের দাম, কি করে খরচা গুলো উঠবে, চাষি তো মরণ, মাঝ মাঠে মরণ। তো সরকার সে কুছ কেনা চাতে হো? সরকারের কাছে সাহায্য পেলে তো চাষিদের ভালো হয়, বড় চাষ হওয়া করতে পারবে, এটি তো শোধ হবে না, দিনা হয়ে যাবে। তো গাইস আপ লোক দেখ সকতে চাষি কা সিচুয়েশন অভি কেসা হ্যায়, एक किसान का दर्द से एक किसान ही समझ सकते हैं भाई, उसके अंदर क्या बीत रहा है अभी वो ही जानता है। पूरा जो धान देख सकते हो, सिर्फ मेरा नहीं है भाई, हमारा गांव का लगभग 90% धान है ना जो पूरा गिर गया है, जो अभी पकने के टाइम आया 10-15 दिन में कटे पड़ता, तो उसी टाइम बारिश की वजह से पूरा धान नीचे गिर गया, इतना नुकसान हो गया भाई। तो जो होना था वो क्या ही करे, जो हो गया है भाई। तो गाइस अभी हम लोग उस साइड जाके आप लोग को थोड़ा सा दिखा था और भी चाची का सिचुएशन, देखते क्या है अभी। कितना बारिश हुआ भाई इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, पानी का बस प्रभाव देखो भाई, उस तरफ भी देख सकते हो पूरा वो जमीन तो पूरा पानी में डूबा पड़ा है भाई। एक किसान का पूरा इन्वेस्ट रहता है, 3 से 4 महीने का मेहनत रहता है, उसके बाद गाइस ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा भाई। और हमारा वेस्ट बंगाल गाइस सिर्फ धान की फसल होता है, 100% में 80% धान का फसल होता है, और इस तरफ का धान में कुछ नहीं हुआ क्योंकि गाइस ये अभी पकने की टाइम है बहुत ज्यादा, और ये पक गया था और कुछ दिन में कटाई पड़ता, और इधर भी ऐसा हो गया। और एक किसान से आप लोग को थोड़ा परिचय करवाता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है पहले बताओ? मोहम्मद सबीर। गाँव? गाँव राजीपुर। ऐसा इतना नुकसान जो हो गया तो आप तुमको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा, अच्छा लगेगा, नुकसान हो गया तो अच्छा। तो तुम्हारा कितना चास था? मेरा 3 एकड़ था। तो तुम्हारा 3 एकड़ में पूरा सब ऐसे ही हो गया? 2 एकड़ तो चला गया पूरा, और बाकी 1 एकड़ तुमको मिलेगा? वो भी सही सलामत रखेगा तो मिलेगा, नहीं तो वो भी जाएगा। तो खेती बाड़ी करके कुछ फायदा नहीं है, सरकार भी ध्यान नहीं देता है। और तो इतना तो खर्च तो बहुत होता है, बहुत बहुत भाई। कितना लगता है मालूम? तो लगभग तुम्हारा खर्च उठेगा? घंटा भी नहीं उठेगा, अगले 4 साल खेती बाड़ी नहीं करेगा, बंद करला जाएगा करला। और चास नहीं करोगे? नहीं, खेती और नहीं, दिल भर गए, थाली लेकर कटरा का भीख मांगेगा इधर उधर जाएगा। हम लोग खेती बाड़ी नहीं, हम लोग भाव सही से मिलेगा नहीं, हमारा भी तो बाल बच्चा है। सरकार नुकसान देता है ना? घंटा भी नहीं देता है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, जिसको मिलना नहीं चाहिए वो बहुत मिल जाता है उसको। अभी जा रहे भाई पानी निकालने का, अगर थोड़ा बहुत मिलेगा तो वो भी बाल बच्चा लेकर खाएगा, और नहीं निकलेगा तो बस करला जाएगा। भाई सब लोगों ने देखा सब कुछ, किसान का सिचुएशन भी देखा, और गाइस और एक चीज, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गाइस बाय।